हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मफूजा की रसोई में। चिकन नॉन वेज खाते हुए हर लोगों को चिकन बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है चिकन। पर तो ये सब्ज़ी लगभग 50-60% लोगों को ये सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और आज जो मैं रेसिपी दिखाऊंगी चिकन के साथ तरोई की रेसिपी, वो भी बहुत सारे लोगों को ये डिश के बारे में पता ही नहीं है। तो देखते रहिए मैं कैसे चिकन और तरोई की सब्ज़ी बनाती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप लोग प्लीज़ देखते रहिए वीडियो अंत तक। तो सबसे पहले तरोई को हमें छीलना है, पर यह सफ़ेद वाला हिस्सा नहीं निकलना है। मेरा दो तीन जगह से निकल गया। तरोई अगर ग्रीन रहेगा तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, वरना ये ज़्यादा गल जाता है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से तरोई को साफ़ करना है, पहले छीलना है मतलब। और फिर मैंने तरोई को छीलकर इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट लिया है। तो देखिए दोस्तों, चिकन को मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिया है और जिस कढ़ाई में मैंने चिकन फ्राई किया था उसी में थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। और तेल थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे एक चुटकी जीरा और थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। अब प्याज को थोड़ा गोल्डन होने देंगे और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट को थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें मिला देंगे एक एक करके सारे मसाले, हल्दी, मिर्च, जीरा और धनिया की पाउडर। और फिर इसमें हम मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार। दोस्तों, इस वीडियो का एक पार्ट मेरे से डिलीट हो गया जिसमें मैंने डिश को सर्व करके दिखाया था, तो प्लीज़ उसे माइंड मत कीजिए। और फिर आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लीजिए मेरा वीडियो। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला ना जले। और फिर देखिए इस तरफ मैंने सारी तरोई को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, एक तेज़पत्ता भी डाल दिया। और इसके बाद डाल दूंगी फ्राई किया हुआ चिकन। चिकन को अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स कर देंगे और फिर इसमें मिलाएंगे खड़ा गरम मसाला जिसमें है लौंग, छोटी इलायची और दालचीनी। अब इसमें हम डाल देंगे तरोई को और तरोई को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, तरोई में बहुत ज़्यादा पानी होती है तो इस डिश में हमें इतना ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, गर्मी में हमें तरोई खाना चाहिए क्योंकि तरोई में पानी ज़्यादा होती है, तो तरोई हमारी बॉडी में पानी को एडजस्ट कर देता है। तो ढक के हमें इस डिश को पकाना है ताकि तरोई का पानी जो है वो निकल जाए। थोड़े थोड़े में समय के बाद हमें इसको चला लेना है। अब मैं इसको और 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूंगी और 2 से 3 मिनट के बाद देखिए कितना ज़्यादा पानी इसमें आ गया है। हमने तो इसमें कोई भी पानी यूज़ नहीं किया था। और दोस्तों, इसे मैं थोड़ा सा इतना ज़्यादा सूखा भी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा झोल टाइप बनाऊंगी, तो इस वजह से मुझे इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा। और मैंने अभी इसमें डाल दिया चिकन मसाला, एवरेस्ट का चिकन मसाला। और ये जो चम्मच आप मेरे हाथ में देख रही है, इसी चम्मच से मैं सिर्फ 2 चम्मच पानी इसमें और ऐड करूँगी और इसको और 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यकीन मानिए ये बहुत ही डिलीशियस बना है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए अपने घर में। थैंक यू।